अगर आप भी इस तरह से 75,000 का लोन सिर्फ और सिर्फ एनबीएफसी से लेना चाहते हैं, वो भी डायरेक्ट एनबीएफसी से, किसी भी आपको थर्ड पार्टी ऐप के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधे एनबीएफसी की वेबसाइट ओपन करो, वहां से लोन के लिए अप्लाई कर दो, या आप एनबीएफसी की ऐप को भी ओपन कर सकते हो, वही प्ले स्टोर पे जाके। तो कैसा रहेगा आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी लोन ऐप से लोन के लिए ट्राई करते हैं, लोन आपको एनबीएफसी देती है, तो एनबीएफसी जो आपको लोन देती है वो जो अपना ब्याज लगाती है, फिर साथ में जिस ऐप के माध्यम से आप जा रहे हो उसका अपना कमीशन, तो वो सब कॉस्ट मिला के आपके लिए लोन महंगा पड़ जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा या डायरेक्टली वेबसाइट से अप्लाई करें, डायरेक्टली एनबीएफसी से लोन के लिए अप्लाई करें, ताकि आपको कॉस्ट कम पड़ सके। तो ऐसी ही एक वेबसाइट बताने वाला हूं जो आपको 625 के सिविल स्कोर पे आपको लोन प्रोवाइड कर देगी 75,000 तक का नहीं 75,000 का मिला है। वैसे तो आप 5,00,000 तक का ले सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी एनबीएफसी है। अब कौन सी एनबीएफसी है जहां पे आपको वेबसाइट से अप्लाई करने पर लोन मिल जाएगा 75,000 का, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी एनबीएफसी के बारे में बताने वाला हूं। तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता हूं, तो यहां मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। तो जैसा कि यहां पे देख पा रहे हो कि मैं बात कर रहा हूं अपवर्ड्स वेबसाइट की, और ये ऐप है, ठीक है ना, इसी नाम से ऐप है, इसी नाम से वेबसाइट है। ये क्या है ना, ये एक एनबीएफसी है। बहुत सारी ऐप में आप ये एनबीएफसी देखेंगे, अगर आप किसी थर्ड पार्टी से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यही एनबीएफसी आपको लोन प्रोवाइड करेगी, या डायरेक्टली भी यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने हमेशा बोला डायरेक्टली अप्लाई करें, 5,00,000 तक का आपको लोन मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर दोनों पे इसकी ऐप मौजूद है। यहाँ पे देखिए, ये पूरी आपको जानकारी, ये लैंडिंग पार्टनर्स है, देखिए अब वार्ड्स भी यहाँ पे देखिए लैंडिंग पार्टनर है, खुद के जो लैंडिंग पार्टनर्स की लिस्ट है ना, उसने अपना खुद का भी नाम उसमें डाला हुआ है। ये कुछ ही इजी स्टेप में यहाँ पे लोन मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और 20 सेकंड या 120 मिनट के अंदर आपको लोन मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए डिजिटल सिग्नेचर करने, ईनेच आपको लगाना पड़ेगा, आप जो है ऐप से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं इस प्ले स्टोर पे क्लिक करूंगा, ठीक है, ये डायरेक्टली देखिए यहाँ पे लेके आ गया ऐप में। यहाँ पे देखिए आपको जानकारी मिलेगी, 5 मिलियन प्लस डाउनलोड से 3.2 की रेटिंग है। अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए आप मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम जो है 5,00,000 तक का लोन ले सकते हैं। आप इंडिविजुअल सैलरी पर्सन होने चाहिए, मतलब आप एक सैलरी पर्सन होने चाहिए, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हैं सरकारी करते हैं, मतलब उससे मतलब नहीं होता है। यहाँ पे आपकी सैलरी कम से कम 20,000 होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको 25,000 बोल के चलूंगा कि 25,000 तो होनी ही चाहिए, 20,000 में आपको कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे अब बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो मिनिमम 16% और मैक्सिमम 32% आपका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लग जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे रिपेमेंट पीरियड की बात कर लें, मिनिमम 6 महीने मैक्सिमम 36 महीने का यहाँ पे दे दिया जाता है। प्रोसेसिंग फीस की बात कर लें, 2 से 4% आपको मतलब प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी, जो भी आपका लोन अमाउंट होगा उसे आपसे यहाँ पे आपको जो है प्रोसेसिंग फीस लगेगी, 2-3-4 इतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी, 18% की जीएसटी और लगेगी। एक कैलकुलेशन दिया, अगर आप 1,00,000 का लोन 12 महीने के लेते हैं तो आपको टोटल रिपेमेंट करना होगा 1,11,161 रुपए का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट दी हुई है लैंडिंग पार्टनर्स की, देखिए सबसे पहले अपवर्ड्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एनबीएफसी है, ये खुद ही एनबीएफसी, तो उन्होंने अपनी एनबीएफसी का भी नाम दिया हुआ है, बाकी और एनबीएफसी तो है ही है, आदित्य है, अजीत भी है, इनक्रेड है, विवृति है, और पेयू फाइनेंस करके है, ठीक है ना। तो हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब कि आप एनबीएफसी से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप वेबसाइट से अप्लाई कर दीजिए या इसकी ऐप से अप्लाई कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली एनबीएफसी से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए पेपर वर्क में क्या है, अपना आधार देना है, पैन देना है, बैंक का स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी आती है, और आपको सैलरी स्लिप देनी है, ये रिक्वायर्ड है, और आपके अकाउंट में 1 दिन के अंदर अंदर पैसा आ जाएगा, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे तो 1 दिन का समय लग सकता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है सैलरीड पर्सन होनी चाहिए, 20,000 की मिनिमम सैलरी हो, ठीक है, 21 से कम एज ना हो, 50 से ऊपर ना हो, और फिलहाल ये अभी इन सिटीज में ये काम कर रही है, आप चेक कर लीजिए, जो मेट्रो सिटीज है उनमें आपको लोन मिल जाएगा, बाकी ऐप में ट्राई कर लीजिएगा, पिन कोड डालोगे, और अगर ऐप आगे बढ़ती है लोन मिल जाएगा, और नहीं बढ़ती है लोन नहीं मिलने वाला है, ऐप आपका खुद ही लोन रिजेक्ट कर देगी। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए 625 के सिविल स्कोर पे लोन जाएगा, 625 से कम का सिविल स्कोर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह से है, यहाँ पे मैं आपको एक बार ऐप को ओपन करके दिखा देता हूँ, इस तरह से ऐप ओपन होगी, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, पैन कार्ड नंबर डालिएगा, आप सेम्प्लॉयड है या सैलरीड है जो भी है, यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी एनबीएफसी है जो बहुत सारे लोगों को लोन प्रोवाइड कर चुकी है बहुत ही कम सिविल पे, बहुत सारे लोन ऐप की एनबीएफसी बनी हुई है और एनबीएफसी के तौर पर काम कर रही है। तो डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो या किसी ऐप के माध्यम से जा रहे हो तो वहां पे भी आपको जो है इस एनबीएफसी का नाम दिख जाएगा, तो वहां से भी आप लोन ले सकते हो।
हो सके तो डायरेक्टली अप्लाई करो, जिसमें आप ही का फायदा है, बहुत ही कम कॉस्ट में आपको लोन मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी बात समझ रहे होंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार तुम हमेशा सैलरी या सेम्प्लॉयड वालों के लिए लेके आते हो कि लोन ले लो, हमारे लिए क्या, हमारे पास तो ना ही कोई इनकम है, ना कोई आधार है, सोर्स ऑफ कुछ भी नहीं, ना ही सैलरी है, ना ही सेम्प्लॉयड, कुछ भी नहीं है, उसके लिए क्या। मैं हमेशा अपनी वीडियो के लास्ट में उन लोगों के लिए भी जो है लोन के लिए बताता हूँ जो सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड रखते हैं। आप आधार कार्ड पैन कार्ड रखते हैं, ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड है तो आप टू बैलेंस से 15,000, मनी भी से भी 15 से 20,000 रुपए और नावी से भी 25,000 रुपए का लोन 8 से 9 महीने के लिए आप ले सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आधार कार्ड पैन कार्ड है तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अगर सैलरीड पर्सन है तो आप अवार्ड से ट्राई कर सकते हैं, कम सेल पे भी आपको मिल जाएगा फायदा, ये बहुत ही कम ब्याज पे देखने को मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी ऐप है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, और अच्छी एनबीएफसी भी अवार्ड, ठीक है। मुझे उम्मीद है पूरी बात समझ गए होगे। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।